पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में मॉनसून सीजन 2 की सक्रियता और गतिविधियां जारी है। राज्य भर में थोड़ी या बहुत बारिश का सिलसिला लगातार चल रहा है। कुछ शहरों में बारिश से जलजमाव अभी भी बरकरार है। मॉनसून की सक्रियता से अगले 3 दिनों में कई जिलों में भारी बारिश संभावित है। आज भी प्रदेश के 5 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार गुरुवार को बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 23 अगस्त को कैमूर, रोहतास, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर और बांका में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 24 अगस्त को पटना, गया, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, सारण, सिवान, वैशाली, बक्सर और भोजपुर में 1-2 जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। पटना में सुबह में बादलों की आवाजाही के बीच दिन चढ़ते ही उमस और गर्मी का लोगों ने सामना किया। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.1 डिग्री मधुबनी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को पश्चिमी चंपारण के लेरिया में 74.2 मिलीमीटर, भभुआ के अगवारा में 71 मिलीमीटर, पश्चिमी चंपारण के सिकटा में 68.6 मिलीमीटर, सीतामढ़ी के डेंगा ब्रिज में 55.6 मिलीमीटर, सोनबरसा में 38.6 मिलीमीटर, पश्चिम चंपारण के रामनगर में 32 मिलीमीटर, रोहतास के चिनारी में 32 मिलीमीटर में झमाझम बारिश हुई। इसके अलावा सुपौल, सीतामढ़ी और गोपालगंज के कुछ जगहों पर बारिश दर्ज की गई। मौसमविदों के मुताबिक 21 अगस्त तक बिहार में सामान्य से 24% कम बारिश दर्ज की गई है। मॉनसून अवधि में अब तक 690.9 मिलीमीटर बारिश होनी थी, लेकिन मात्र 525 मिलीमीटर बारिश हुई है। कम बारिश की वजह से एक ओर जहां खेती की गतिविधियां प्रभावित हुई, तो दूसरी ओर पानी की समस्या से भी आने वाले दिनों में लोगों को दोचार होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी पोस्ट लाइव।